आखिर क्यों होते हैं ब्रेड्स में ये छोटे छोटे छेद? आखिर क्यों रोटी को पकाने पर वो फूल जाती है? और आखिर क्यों छिपकली का पीछा करने पर उसकी पूंछ टूटकर गिर जाती है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाबों को, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रात अंधेरी हो तो जुगनू का बारी बारी से चमकना और बंद होना काफी रोमांचक और आकर्षक होता है। दोस्तों, जुगनू लगातार नहीं चमकते बल्कि एक निश्चित अंतराल में ही चमकते और बंद होते हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने सन 1967 में सबसे पहले कीटों में पैदा होने वाली रोशनी की खोज की। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में काफी रोशनी पैदा होती है। ऐसी किस्में साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पाई जाती हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि रोशनी पैदा करने वाले कीटों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया, मछलियां, एल्गी, घोंघे और केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। लेकिन इनमें जुगनू सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और ये नॉक्टर्नल यानी निशाचर होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर पाए जाने वाला जुगनू कोई आधे इंच का होता है। वह पतला और चपटा सा सिलेटी भूरे रंग का होता है और नर जुगनू में ही पंख होते हैं। मादा के पंख ना होने के कारण वो उड़ने में असमर्थ होती है। वो उड़ते हुए साथी को रोशनी के चमकने और बुझने के पैटर्न की मदद से पहचानती है। दोस्तों, जुगनू अपने शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जो उन्हें प्रकाश देने की अनुमति देता है। इस प्रकार के प्रकाश उत्पादन को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जिस विधि से जुगनू प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह शायद बायोल्यूमिनेसेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब ऑक्सीजन कैल्शियम से जुड़ता है तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और लुसिफेरिन लुसिफेरेज की उपस्थिति में जुड़ती है, जो कि एक बायोल्यूमिनेसेंट एंजाइम होता है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। एक लाइट बल्ब जो कि बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है, उसके उलट एक जुगनू का प्रकाश ठंडा प्रकाश होता है, जिसमें गर्मी के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट नहीं होती। और यह बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि अगर जुगनू का प्रकाश उत्पादक अंग एक प्रकाश बल्ब की तरफ गर्म हो जाता है तो जुगनू जिंदा बच नहीं पाएगा। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग रोशनी पैदा करने वाले कीटों को पकड़कर अपनी झोपड़ियों में उजाले के लिए उपयोग करते थे। ये लोग किसी छेद वाले बर्तन में जुगनुओं को पकड़कर कैद कर लेते थे और रात को इन कीटों की रोशनी में अपना काम करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी फौजी किसी संदेश या नक्शे को पढ़ने के लिए कीटों से निकलने वाली रोशनी की मदद लेते थे। वो इन कीटों को एकत्र करके रख लेते थे और जब रात में किसी सूचना को पढ़ना होता था तो वो हथेली में उस कीट का चूरा रखकर थूक से गीली करते थे और इस तरह से उन कीटों के चूर्ण से रोशनी निकलती थी और वो अपना संदेश पढ़ लेते थे। दोस्तों, इस संदर्भ में ये जानना शायद आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटती, बल्कि ऐसी परिस्थिति में यह खुद ही अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ इनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब यह भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से खुद ही अलग कर देती है। पूंछ का टूटा हुआ यह भाग काफी देर तक हिलता डुलता रहता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हर जीवित प्राणी का कोई अंग अलग होने पर वो कुछ समय तक हिलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे कि छिपकली खुद छुपके से वहाँ से सुरक्षित भाग निकलती है। मजेदार बात तो यह है कि शरीर से अपने एक महत्वपूर्ण भाग यानी पूंछ के अलग होने से छिपकली को कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय बाद ही इसकी पहली जैसी नई पूंछ आ जाती है, लेकिन यह नई पूंछ पुरानी जितनी लंबी नहीं हो पाती। दोस्तों, खाना बनाने में सब्जियों को उबालना एक आम प्रक्रिया है और सभी लोग जानते हैं कि उबालने से सब्जियां नरम हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर सब्जियां नरम क्यों हो जाती हैं? दरअसल कच्ची यानी बिना पकी सब्जियों में कई कोशिकाएं होती हैं जो आपस में कसकर जुड़ी रहती हैं। इन्हें जोड़ने वाला एक खास पदार्थ भी इन्हीं के अंदर मौजूद होता है, जिसे पेक्टिन कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कोशिकाओं की दीवारों के साथ मिलकर एक हो जाता है। कच्ची सब्जियों को उबाले जाने पर उनका यह पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। इस विज्ञान की एक मजेदार बात यह है कि आलू जैसी कुछ सब्जियां उबालने पर कुछ अधिक ही नरम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सब्जियों की कोशिकाएं नरम होने के साथ साथ फट भी जाती हैं। इस क्रिया में सब्जियों का स्टार्च बाहर आ जाता है, इसी कारण से आलू और अरबी जैसी कुछ सब्जियां सामान्य से अधिक मुलायम हो जाती हैं। दोस्तों, रोटी बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूथा जाता है तब गेहूं में मौजूद प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है, जिसे ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, इसी कारण आटा गूथने के बाद फूला रहता है। रोटी को सेकने पर ग्लूटेन में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है और जो भाग तवे से चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दोनों पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप रोटी की दो अलग अलग परतें बना देती है।
दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने के लिए आटे में ग्लूटेन की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूं की रोटी खूब फूलती है परंतु जौ बाजरा मक्का आदि की रोटी नहीं फूलती या कम फूलती है तथा इनमें परतें भी नहीं बनती क्योंकि इन अनाजों में ग्लूटेन की काफी कमी होती है। दोस्तों संसार के लगभग सभी देशों में ब्रेड को एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग देशों में ब्रेड अलग अलग पदार्थों से बनाई जाती है। अधिकतर ब्रेड गेहूं के आटे या मैदा से बनाई जाती है लेकिन कुछ स्थानों पर यह चावल आलू मटर जौ आदि के आटे से भी बनाई जाती है। ब्रेड बनाने की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले इजिप्ट में हुई थी और खमीर यानी ईस्ट का आविष्कार भी वहीं हुआ था। आजकल ब्रेड के निर्माण में गेहूं से बनी मैदा को पानी के साथ गूंथ लिया जाता है और इसमें थोड़ा सा खमीर मिला दिया जाता है। दोस्तों खमीर एक प्रकार का फंगस होता है। मैदा की गर्मी और नमी के कारण यह बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके बढ़ने से कुछ गैसें भी पैदा होती हैं और इसके बुलबुलों के कारण गूंथी हुई मैदा का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और जब इसे गर्म भट्टी में सेका जाता है तो ये गैस के बुलबुले फूट फूट कर ब्रेड में छोटे छोटे छेद पैदा कर देते हैं और इसी खमीर के कारण ब्रेड में गंध और स्वाद भी पैदा हो जाता है। दोस्तों वैसे तो केक में भी छेद होते हैं लेकिन ये छेद खमीर के कारण नहीं बल्कि बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। केक में टेट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण मिलाते हैं जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। जब इन दोनों को आटे के साथ मिलाकर इसे पकाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी गैस के बुलबुलों के फटने से केक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो दोस्तों कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।